नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है मीनिंग्स ऑफ नेम। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर दोस्तों आपको किसी नाम का अर्थ या नाम के बारे में कुछ जानना है तो आप हमसे नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग दोस्तों टॉप 10 बेबी लकी नेम के बारे में दोस्तों जानने वाले हैं, जो दोस्तों 2022 के हैं, जो 2022 के लिए दोस्तों बहुत अच्छा है। तो दोस्तों अगर आप माँ बाप बनने वाले हैं तो आप अपने बच्चों का नाम हमारे टॉप 10 वीडियो में से कोई भी नाम रख सकते हैं। तो दोस्तों मैं ये नाम लेकर आया हूँ दोस्तों टॉप 10 में वीडियो में। ये दोस्तों मैंने रिसर्च करके दोस्तों मैं इस नाम के बारे में जो भी बताऊँगा दोस्तों मैं रिसर्च करके मैं आपके बारे में मैं इस नाम के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरुआत करते हैं। और दोस्तों आज का पहला नाम क्या है दोस्तों मैं बता दूं, आज का पहला नाम है दोस्तों वो है मरिया। मरिया नाम दोस्तों बहुत अच्छा नाम है दोस्तों। इस नाम का अगर नाम का मतलब के बारे में बात करें, नाम का मतलब क्या होता है तो वो होता है दोस्तों प्रिय को दोस्तों हम लोग मरिया कहते हैं, या सुंदर या दोस्तों पैगम्बर मोहम्मद को दोस्तों हम लोग मरिया कहते हैं, या पवित्रा या पवित्रता को भी दोस्तों हम लोग मरिया कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और आज का दूसरा नाम के बारे में बात करें, आज का दूसरा नाम क्या है दोस्तों मैं बता दूं, वो है दोस्तों समीरा। ये जो नाम है दोस्तों नाम बहुत अच्छा नाम है। और दोस्तों नाम का अगर नाम का मतलब के बारे में बात कर ले, नाम का मतलब क्या होता है तो दोस्तों मैं बता दूं, वो होता है दोस्तों सुबह की खुशबू को दोस्तों हम लोग समीरा कहते हैं, या दोस्तों करामती को भी दोस्तों हम लोग दोस्तों समीरा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और आज का तीसरा नाम के बारे में बात कर ले, आज का तीसरा नाम क्या है तो वो होता है दोस्तों नव्या। नव्या नाम भी दोस्तों बहुत अच्छा नाम है। और दोस्तों नाम का अगर नाम का मतलब के बारे में बात कर ले, नाम का मतलब क्या होता है दोस्तों मैं बता दूं, वो होता है कि तारीफ के लायक को दोस्तों हम लोग नव्या कहते हैं, या युवा लड़की को भी दोस्तों हम लोग नव्या कहते हैं, या सहानीय को दोस्तों हम लोग नव्या कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों आज का चौथे नाम के बारे में बात कर ले, आज का चौथा नाम क्या है तो वो है दोस्तों जिया। जिया नाम है दोस्तों आज का चौथा नाम। और दोस्तों इस नाम का अगर नाम का अर्थ के बारे में बात कर ले, नाम का अर्थ क्या होता है तो वो होता है दोस्तों दिल को दोस्तों हम लोग जिया कहते हैं, या दोस्तों वाक्य को भी दोस्तों हम लोग जिया कहते हैं, या दोस्तों महान व्यक्ति को भी दोस्तों हम लोग जिया कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों आज का पांचवा नाम के बारे में बात कर ले, दोस्तों आज का पांचवा नाम क्या है तो वो है दोस्तों ईसा। ईसा नाम दोस्तों आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा दोस्तों। और ईसा नाम का अगर नाम का मतलब के बारे में बात कर ले, ईसा नाम का मतलब क्या होता है तो वो होता है दोस्तों देवी राधा को दोस्तों हम लोग ईसा कहते हैं, या भगवान गणेश का एक और नाम है दोस्तों जिसे हम लोग ईसा कहते हैं। छठा नाम के बारे में बात कर ले दोस्तों, आज का छठा नाम क्या है दोस्तों मैं बता दूं, वो है सोफिया। सोफिया नाम का दोस्तों नाम का मतलब होता है दोस्तों, वो होता है ज्ञान। ज्ञान होता है दोस्तों सोफिया नाम का मतलब। आगे बढ़ते हैं दोस्तों आज का सातवां नाम के बारे में बात कर ले, आज का सातवां नाम क्या है तो दोस्तों श्रेया। श्रेया नाम भी दोस्तों बहुत अच्छा नाम है। और दोस्तों नाम का अगर नाम का मतलब के बारे में बात कर ले, इस नाम का मतलब क्या होता है तो वो होता है दोस्तों देवी लक्ष्मी को दोस्तों हम लोग श्रेया कहते हैं, या शुभ या चमक या समृद्धि को भी दोस्तों हम लोग श्रेया कहते हैं, या दोस्तों सौंदर्य को भी दोस्तों हम लोग श्रेया कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों आज का आठवें नाम के बारे में बात कर ले, आज का आठवां नाम क्या है दोस्तों मैं बता दूँ, वो दोस्तों निशा। निशा नाम भी दोस्तों बहुत अच्छा नाम है दोस्तों। निशा नाम बोलने में और सुनने में बहुत अच्छा लगता है। और दोस्तों निशा नाम का अगर नाम का मतलब के बारे में बात कर ले दोस्तों मैं बता दूं, वो होता है दोस्तों रात या महिलाएं को दोस्तों हम लोग निशा कहते हैं, या सपना को भी दोस्तों हम लोग निशा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों आज का नौवां नाम के बारे में बात कर ले दोस्तों मैं बता दूं, आज का नौवां नाम है दोस्तों वो है आरुषि। आरुषि है दोस्तों आज का नौवां नेम। और दोस्तों इस नाम का अगर नाम का अर्थ के बारे में बात कर ले दोस्तों मैं बता दूं, वो होता है दोस्तों सूरज की दोस्तों हम लोग आरुषि कहते हैं, या दोस्तों भेड़ या सुबह की लाल आकाश को भी दोस्तों हम लोग आरुषि कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों आज का आखिरी नेम और दोस्तों टॉप 10 जो दोस्तों लास्ट नेम है दोस्तों मैं बता दूं, वो है दोस्तों सनाया। सनाया नाम भी दोस्तों बहुत अच्छा नाम है। इस नाम का अगर नाम का अर्थ के बारे में बात कर ले दोस्तों मैं बता दूं, वो होता है दोस्तों प्रख्यात को दोस्तों हम लोग सनाया कहते हैं, या दोस्तों प्रतिष्ठित को भी दोस्तों हम लोग सनाया कहते हैं। सनाया नाम दोस्तों बहुत अच्छा नाम है। और दोस्तों नाम का अर्थ भी मैंने आपको बता दिया। अगर दोस्तों आपको भी किसी नाम का अर्थ या नाम के बारे में कुछ जानना है तो आप हमसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए नाम के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।